जयरामदा एक बार हाई कर दीजिए। पूरा बोकारो जाम जाम हो चुका है। जयराम महतो नॉमिनेशन करने के बाद में अपने सभा को संबोधन करने के लिए जा चुके हैं और उसके पीछे ये भीड़ जो जयराम महतो के नामांकन में आए हुए थे देख सकते हैं। पूरा बोकारो जाम हो चुका है, एक भी स्पेस नहीं है पैर रखने के लिए। जयराम महतो आगे निकल चुके हैं, गाड़ी देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं, अतुलनीय भीड़ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और बेहतर बात यह है कि जयराम महतो के नामांकन में कोई पैसा देख के और खिला पिला के लाया गया भीड़ नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से आए हुए लोग थे। विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अंत तक लोग दिख रहे हैं। इसके बाद सभा स्थल में जाएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, तब तक मैं आगे का भीड़ दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं ये किसी रैली या हुजूम से कम नहीं है। लगातार आप भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ स्पीड से चल रही है लेकिन ये भीड़ खत्म होने का स्पेस एक भी नहीं मिल पा रहा है रोड में। और देख सकते हैं आगे किस तरह से लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है और भीड़ जो है वो कम नहीं हो रहा है। ये बोकारो एयरपोर्ट के पास वाला रोड है जो डीसी ऑफिस से जस्ट बाहर निकलता हुआ है, और देख सकते हैं जिधर जिधर रोड जाता है उधर इधर आदमी छप छपा के भर चुका है। कोई कीड़ा मकोड़ा के तरह से ये लोग नजर आ रहे हैं। आखिर जनता के कैसे मानना पड़ेगा पूरा चारों तरफ गेट जाम कर दिया था, रोड जाम कर दिया था, उसके बाद मजबूरन जयराम महतो को छोड़ना पड़ा। प्रशासन के भी गाड़ी पीछे से आ रही है, हालांकि प्रशासन इस भीड़ को सफल चंचलाप दे सकते हैं कंट्रोल नहीं कर रही है। ये जनता खुद डिसिप्लिन में है और किसी भी प्रकार का हिंसात्मक क्या किसी भी प्रकार की घटना नहीं घट रही है, बल्कि ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहे हैं, किसी प्रकार का हिंसा या किसी प्रकार की अनडिसिप्लिन वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। और देख सकते हैं भीड़ छप छपाया हुआ है, पूरा रोड भरा पड़ा है गाड़ी और लोगों से, लोगों का जनसंख्या कम नहीं हो रहा है। पूरा रोड को जाम होने में घंटों का समय लगेगा, फिर भी नहीं ये जाम छूटेगा। फिलहाल प्रशासन को ये जिधर देखिए उधर भीड़ कंट्रोल करने के लिए भेजा गया है, और देख सकते हैं लगातार भीड़ ये भीड़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि यह भीड़
सिर्फ एक नाम एक नारे के साथ में एक बैनर के नाम पे आई हुई है। नाम है जयराम महतो, बैनर है JBKSS और जो कि सांसद प्रत्याशी है गिरिडीह लोकसभा के। आप अनुमान लगा सकते हैं जब जयराम महतो का नॉमिनेशन में इतना सारा भीड़ हो सकता है तो उसका वोटिंग और बूथ में क्या असर पड़ेगा, इसका गहरा असर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और भीड़ कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और नॉमिनेशन से क्या परिदृश्य जाता है, क्या मैसेज जाता है उन तमाम नेताओं को, राजनेताओं को जो आज तक 23 साल के झारखंड में आज तक राजनीति करते आए हैं और इतने दिनों का भारत में आज तक ऐसा नेता नहीं देखा गया होगा जिसमें बिना पैसा का, बिना बुलाया गया, बिना इन्विटेशन में इतना भीड़ हुआ होगा। फिलहाल आप लोगों को महासभा की ओर लेके चलते हैं और वहाँ किस प्रकार से भीड़ होती है उस भीड़ को हम दिखाने का प्रयास करेंगे।